आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। दुबई में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है, आवश्यक वस्तु को छोड़कर सभी दुकानें बंद, बाजार खुलने की अफवाह पर बढ़ गई थी चहलकदमी। पुलिस पदाधिकारी ने दिया सख्त आदेश, पहले की तरह करें लॉकडाउन का पालन। पूरे देश भर में 15 अप्रैल से घोषित लॉकडाउन 2 चल रहा है। प्रधानमंत्री के संबोधन में 20 अप्रैल से लोगों को थोड़ी रियायत दी जाने की खबर से घरों में कैद आम लोग में अफवाह फैल गई कि अब छूट मिल गई है। फिर से खुले माहौल में जीने का ख्याल लोगों के दिल में जागा था कि कुछ लोगों ने तो दुकान खोलने की तैयारी कर ली थी। हालांकि जुमई में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन है, जिसमें आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रखने का निर्देश जुमई डीएम धर्मेंद्र कुमार के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन 20 अप्रैल को बाजार में कई दुकानें खोली गईं, लोगों की चहलकदमी बढ़ गई। मुख्यालय डीएसपी लाल बाबू यादव, एसडीओ लखींद्र पासवान, डीएसपी रामपुकार सिंह के द्वारा शहर के चौक चौराहे पर तैनात पुलिस बलों को सख्ती बरतने का निर्देश देते हुए अचानक से आए वाहनों पर कचहरी चौक व जिले में प्रवेश पर रोक लगा दी। इधर बाजार खुलने की अफवाह पर घर से बाहर निकले लोगों को पुलिस प्रशासन की सख्ती का सामना करना पड़ा। जिले के सीमा पर मौजूद फोर्स व बैरिकेड पर मौजूद सुरक्षा कर्मी ने अलीगंज बाजार, कचहरी चौक, बधुबन तालाब, मलयपुर पतोना चौक पर बैरियर लगाकर तैनात महिला व पुरुष पुलिस बल बाइक से आने वालों से सख्ती से पेश आ रही थी। चार पहिए वाहन पर पहले की तरह ही प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा था। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आज 20 तारीख है और किन किन चीजों में छूट दी गई है और क्या व्यवस्था रहेगी। व्यवस्था पूर्व की तरह ही है। स्वास्थ्य कर्मियों को या हेल्थ से जुड़े प्रॉब्लम जिनका है, उनके लिए पहले की तरह है। कोई विशेष छूट नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ काम होना होगा तो भी प्रतिबंध के साथ है। नल जल का काम होना शुरू होगा, पीएचडी का काम चलेगा, ये सब गवर्नमेंट के स्तर से है। जो प्रशासनिक अमला है वो इसका पालन कराएंगे और पहले की तरह ही लॉकडाउन कायम है। और जो पहिया वाहन का सर, इसका पूरी से जो आदेश मिल जाते हैं वही रहेंगे। तो बहुत सारे व्यापारी लोग ये मान के चले थे कि बिजली का दुकान या ये सारा दुकान को छूट दी जाएगी, तो क्या अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन आया है क्या? ये लोग अपने से मान के चल रहे हैं तो गलत है। सेवा में शामिल किया गया है और उसके आधार पर काम कर रहे हैं।